बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस की बात हो रही है, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर न्यूक्लियस उनको बांध के रखता है। तो न्यूक्लियस के पास एनर्जी है जिससे कि न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा गया है, उस एनर्जी को जिससे कि न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा गया है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स जिससे बंधे हुए हैं उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपने सपोज करो न्यूक्लियस बनाना है, न्यूक्लियस बनाना है, नहीं वैसे बनता नहीं है पर चलो आपने बनाना है, और न्यूक्लियस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, कुछ प्रोटॉन्स चाहिए होंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे, न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे, राइट। अब मान लो प्रोटॉन का मास है 10 यूनिट्स, 10 केजी या होता नहीं है वैसे मजाक कर रहा हूँ, 10 केजी ग्राम में भी नहीं होते, चलो 10 यूनिट्स हैं, इसमें 5 यूनिट्स का मास है, तो कायदे से दोनों के दोनों न्यूक्लियस में भर दिए जाएंगे और टोटल मास कितना आना चाहिए, 10 + 5 = 15, आया नहीं 15, 14.5 रह गया। अब सोच लो 0.5 का गायब हो गया, मैं तो पैकिंग प्रॉपर की थी, वो गायब नहीं हुआ, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो कितना मास चला गया, 10 + 5 - 14.5, इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब मास का चले जाना, कम हो जाना, वो गायब नहीं हुआ, बेसिकली वो कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि m इंटू सी स्क्वायर से एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एनर्जी जो है इसने बचे हुए न्यूक्लियॉन्स को क्या किया, बांध के रखा हुआ है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ तक मास पूरा आएगा नहीं, देयर विल बी मास इफेक्ट, तो मास इफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इसके अंदर यही एक्सप्लेन्ड है बाइंडिंग एनर्जी में, तो बाइंडिंग एनर्जी में ये एक्सप्लेन्ड है, बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम मास इफेक्ट है। अगर मेरे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस बनाना है, तो प्रोटॉन के पास प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का मास कितना है, एम ऑफ पी, मेरे पास न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, जेड प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल मास कितना है, जेड इंटू एम पी। मेरे पास कितने, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, एम एन, मेरे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ए माइनस जेड, टोटल मास ए माइनस जेड इंटू एम एन। फिर मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मास कितना है, एम एन, एम ऑफ बड़ा एन। तो इसके अंदर मास डिफेक्ट कितना है, मास डिफेक्ट होगा इसका मास प्लस इसका मास माइनस इसका मास, तो ये माइनस किया तो मास डिफेक्ट आ गया, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। इस पूरे डेल्टा एम की वैल्यू को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर पेपर में आ जाए एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी लिखो, तो बाइंडिंग एनर्जी इसके इक्वल है। और बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्लेन कैसे की जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे कि न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा गया है, तो उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है कि अगर आपके पास कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं, और बाइंडिंग एनर्जी 10 जूल है, मतलब बांध के रखी हुई है 10 जूल के साथ, आप उन न्यूक्लियॉन्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट करना चाहते हैं, उनको तोड़ के बहुत दूर फेंकना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 10 है, तो आपको 10 अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि आप उन्हें बाइंड ना कर सकें, सेपरेट कर सकें। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जिससे कि न्यूक्लियॉन्स आर सेपरेटेड इन फाइनाइट डिस्टेंस, इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के दो फॉर्म जो है डेफिनेशन हो गई, बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने की एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने की एनर्जी इज ऑल्सो बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है।